तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेस ऑफ एक्सचेंज हमारा लास्ट क्लास में खत्म हो गया। उसका कोई भी जो भी हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, जो भी एक आधा आपका जो भी डाउट बचा होगा, हम लोग आज की क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी शुरुआत है क्योंकि क्लास की, तो हम लोग आज शुरू करते हैं नया चैप्टर। और चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर भी बड़ा आसान है जी, और बिल्कुल पिछले वाली यूनिट से बहुत हद तक रिलेटेड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे ने पिछले वाले चैप्टर में 20 से इन्वॉल्व हुए हैं तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। तो चैप्टर का नाम है जी एवरेज ड्यू डेट। आइए फटाफट से हम लोग चैप्टर का नाम नोट करें पहले। तो बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, चैप्टर का नाम नोट करेंगे जी। और चैप्टर है हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। क्या नाम है बेटा? एवरेज ड्यू डेट। शुरू करें? चलिए तो आओ बेटा। बेटा बार बार नहीं कहलवाना प्लीज, अभी भी फिर बच्चे वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। आज पक्का 100% वो बाहर जाएंगे। नया चैप्टर है, नया कॉन्सेप्ट है, फिर से ही बातें। प्लीज चलिए, एवरेज का मतलब क्या है जी? एवरेज का मतलब सर, एवरेज तो सर क्या है, ऑन एन एवरेज, मतलब एवरेज से तो सब बच्चे समझते हैं ना, कितना सिंपल सा है। एवरेज होना, एवरेज निकालो जी, ऑन एन एवरेज जैसे हम कहते हैं ना, ऑन एन एवरेज, किसी का कम किसी का ज्यादा, है ना? तो हम क्या बात करते हैं, ऑन एन एवरेज। तो ये तो आप जानते ही हैं, एवरेज का मतलब तो एवरेज है, आपको ये पता ही है, कुल मिलाकर ऑन एवरेज। ठीक है, ड्यू डेट, बेटा कमाल की बात है यहां पर, ड्यू डेट्स का एवरेज है। एवरेज करना है इस चैप्टर में, देखो करना क्या है, एवरेज करना है। और किस चीज का? ड्यू डेट्स का, ड्यू डेट्स का। तो इसका मतलब क्या है बेटे, जैसे हम लोग अमाउंट्स का एवरेज निकालते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही यहां पर हमें किसका एवरेज निकालना है जी, ड्यू डेट्स का एवरेज निकालना है। किसका निकालना है जी एवरेज? ड्यू डेट्स का। सर ड्यू डेट्स, हाँ। अब ड्यू डेट्स की मैं बात करूं, देखो कमाल की बात, पहली बार तुम ऐसा चैप्टर देखोगे जहां पे डेट का एवरेज। सर ऐसा क्यों, किसी ने पहले देखा है इसके चैप्टर, इस चैप्टर के बारे में कभी पहले सुना है किसी ने? 11th 12th में बताना बेटा, कोई हो बच्चा? किसी बच्चे ने इसके बारे हाँ में पहले, सर, हमने सुना है जी। अच्छा सुना है, ओके, पहले किए हैं बेटे इस क्वेश्चन कोई 11th इलेवेंथ में? हाँ सर, 11th में भी, कौन से बोर्ड में होता है 10th में बेटा, भी, कौन से बोर्ड में है? यूपी। यूपी बोर्ड में तो मैं भी हूँ, मैं भी यूपी बोर्ड से पास आउट हूँ। बाकी के बोर्ड में भी होता है क्या? ओजस्विनी, पता नहीं जी। भावेश, रजत, अमन, होता है बाकी के बोर्ड में भी? नहीं होता ना। नमस्कार चलिए कोई बात सर, नहीं, आइए शुरू करते हैं बेटे चैप्टर। दरअसल मैं अगर आपसे ये कहूं कि आज तुम्हारी अकाउंट्स की क्लास है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारी अकाउंट्स की क्लास नहीं है। आज से समझ दो, आज की क्लास और अगली क्लास तुम्हारी मैथ की क्लास चल रही है मेरे साथ में। एवरेज निकालना है भाई, अकाउंटिंग का तो कोई रोल ही नहीं, मैथमेटिक्स है ना। और एवरेज में क्या है सर, हमें सर दोनों तरह का एवरेज आता है, सिंपल एवरेज भी आता है और वेटेड एवरेज भी। बस आज यहाँ पे डेट्स का एवरेज निकलना है। तो कमाल की बात, सर ऐसा क्यों करते हैं? आओ बेटे सबसे पहले तो हम ये देखें ऐसा करते क्यों है और ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। देखो बच्चों, आपका मैथमेटिक्स में सभी बच्चों का एक चैप्टर चैप्टर चल रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है ना, मतलब सारे बच्चों का। हाँ कह रहे कि सर आप मैथ पढ़ाने लगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं शुरू कर ही रहा था कि दोनों टीचर आ गए मैथमेटिक्स के, अच्छे बात है। मैंने बस मैंने कहा, मैंने पैर पकड़ लिए, मैंने कहा सर आप गुरु जी आप यहाँ पे बस, तो फिर मैंने छोड़ दिया बेटे, वरना मैं भी पकड़ना शुरू कर देता, बस हो गया काम। मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू ही कर रहा था कि सर आ गए और बस मैंने छोड़ दिया बेटे। आओ जरा लो बेटा, देखो कमाल की बात, अब तो आप वैसे भी मैथ के एक्सपर्ट से पढ़ रहे हो। लो बेटे हुआ क्या, एक वर्ड होता है बेटे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो आप लोग पढ़ रहे हैं आजकल मैथमेटिक्स में, ठीक है जी, या पढ़ लिया है, इसको पहले एक बार समझिए। पहले इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, क्या है सर इसमें बताओ सर। बेटे आज के 1 रुपए की वैल्यू
और कल मिलने वाले एक रुपए की वैल्यू, दोनों में अंतर है बेटे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये है हमारे ईयर्स, ईयर नंबर वन और ये है हमारा ईयर नंबर टू, ईयर नंबर थ्री, ईयर नंबर फोर। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा बेटा आपकी सीए फाउंडेशन की फीस हमें चाहिए, आज हम आपको सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं। आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बोलो बेटा, सीए फाउंडेशन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सीए फाउंडेशन। और आपसे मैंने कहा बेटे एक्स रुपए आपकी फीस है। क्या है? एक्स रुपए रुपीज आपकी फीस है, आप हमें दे दीजिए। तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर, अभी नहीं, सीए बनने के बाद, पहले सीए बनो। मैंने कहा मैं तो बना नहीं सकता, टीचर में अगर दम होता तो सारे बच्चे पास हुआ करते। ये तो बच्चों के अपने कैलिबर होता है, बच्चों का अपना सिंक्रोनाइजेशन होता है, टीचर के साथ कितना वो बैठा लें कि जितनी बातें टीचर बोले सारी बात उसको समझ में आए और अच्छे से उसको कैच हो जाए और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर टीचरों में दम होता तो सब टीचर्स के सभी बच्चे पास ना हो जाते। ये तो बच्चों के अपना कैलिबर होता है, होल क्रेडिट बच्चों का है जी, बच्चे की डेडिकेशन का है, उसके माता पिता का। अच्छा सर चलो अब बताओ सर काम की बात। मैंने कहा बेटे एक्स रुपीज हमारी फीस है, वो आप दे दीजिए। आपने कहा कि नहीं सर आज नहीं, अभी पहले सीए फाउंडेशन, फिर उसके बाद में सीए इंटर, फिर हमारी आर्टिकलशिप, और फिर हम सीए बन जाएंगे, फिर हम कमाएंगे, सीए बनने के बाद में फिर हम आपको फीस देंगे। तो बेटे आपका हमारा वादा हो गया। मैंने कहा ठीक है यहाँ पे मिलेंगे और आप हमें वो फीस देंगे। आओ जरा आओ बेटा। तो बेटा ये जो फीस है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बेटे, आज अगर मान लिया एक्स रुपीज फीस है तो कल भी मैं क्या इतना इंतजार करने के बाद में आपसे एक्स रुपीज मांगूंगा? सोच के देखो जरा। नहीं ना, क्योंकि बेटे आज अगर आप मुझे एक्स रुपीज फीस देंगे तो मैं उस पर क्या करूंगा, उस पर इंटरेस्ट पहले साल कमाऊंगा, फिर बेटे दूसरे साल कमाऊंगा, फिर बेटे तीसरे साल भी मैं उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा और चौथे साल भी मैं उस पर इंटरेस्ट कमाऊंगा। तो मतलब जो मनी है उसकी अपनी एक वैल्यू है जो टाइम बेसिस पर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बोलो है कि नहीं बेटा? पक्का। और जिसको हम किस चीज का नाम देते हैं, बोलो, इंटरेस्ट। कि कोई भी पैसा हो उस पैसे की वैल्यू है टाइम के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब हमारे नजरिए से जो है, मुझे नहीं पता मैथमेटिक्स में सर क्या बताते हैं वो, मतलब हमारे समझ में तो बाहर ही होता है बेटे, तभी मैथ नहीं पढ़ाते हैं। मैथ हमें समझ में आता था हम ना पढ़ा लेते। आओ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे टाइम वैल्यू है जी हर पैसे की। अब आपसे मैं एक बात कहता हूँ, क्या ऐसी चीजें बिजनेस में नहीं होती होंगी? बिल्कुल होती होंगी जी। कैसे जी? देखिए जरा, मैं बात करता हूँ बेटे बिजनेस में। बिजनेस में एक होता है बेटे डेटर, एक होता है क्रेडिटर। आइए जरा, ये है कौन? क्रेडिटर्स। ये है बेटे क्रेडिटर है और ये बेटे डेटर है। ये दो लोग हैं, मतलब इन्होंने माल बेचा और उन्होंने माल खरीदा। ध्यान से, ये है कौन? मिस्टर एक्स। और ये है कौन? मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को माल बेचा और ये डिसाइड हुआ, क्या डिसाइड हुआ जी, कि मिस्टर वाई इनका जो 1,00,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, क्या जो 1,00,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, इनका तय हुआ, एग्रीमेंट हुआ, क्या इनको ये 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। और सारी की सारी इंस्टॉलमेंट कितने कितने की है बेटे? 20,000 रुपए। बताओ बेटे मिस्टर एक्स को नुकसान है कि नहीं है? बोलो बोलो, मिस्टर एक्स को नुकसान है। क्या फायदा हुआ उस पर्सन का जो मिस्टर एक्स से नकद में माल खरीद के लेके गया और ये मिस्टर वाई तो उधार लेके गया और तब भी 1,00,000 रुपए दे रहा है? इसलिए बेटे इसकी इंस्टॉलमेंट 1,00,000 रुपए से कुछ ज्यादा रहेगी हमेशा। तो यानी कि मैं अगर बात करूं, मैं इसकी इंस्टॉलमेंट चेंज करता हूं, यानी कि मान लिया इससे कुछ एक्स्ट्रा लिया जा रहा है क्योंकि ये लेट पेमेंट कर रहा है बेटे। 22,000 रुपए, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए, उनसे 22,000 के हिसाब से टोटल मतलब 1,10,000 रुपए लिए जा रहे हैं बेटे। पहले इतनी बात बताओ, ये बात तो समझ में आ रही है? मतलब आपने अगली 2-3 बातें सुनी और चैप्टर आपका बस, फिर तो चैप्टर खत्म। इतना प्यारा सा चैप्टर है मैथमेटिक्स का। आप पहले मुझे बताओ बेटे, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा मिस्टर वाई से, क्यों मिलेगा? क्योंकि
वो डिले कर रहे हैं पेमेंट में, वहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। अंटू बेटा फेस पे कैमरा रखा को पता नहीं, देखो क्या रोज कहना पड़ता है, और बाकी बच्चों को फिर वही शुरू हो गई हरकतें। आओ जी, तो बेटे इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर ध्यान से, कि ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है सर। अब ये अलग अलग डेट्स हैं, डेट नंबर वन, डेट नंबर टू, डेट नंबर थ्री, डेट नंबर फोर, डेट नंबर फाइव। ये बेटे पांच डेट में पेमेंट करेगा अलग अलग डेट, ठीक है जी। आप समझिए मेरी बात को, ठीक है जी। ये तय हुआ बेटे, मिस्टर वाई जैसे पता नहीं कितने डेटर्स हैं, और हो सकता है मिस्टर वाई को, अभी तो मैंने पांच इंस्टॉलमेंट की बात की है बेटे, किसी की 15 इंस्टॉलमेंट होती है, किसी की 20 इंस्टॉलमेंट होती है, मान लिया तो कई बार क्या होता है चीजें उलझ जाती है, और सुलझाने के लिए ये काम किया जाता है जो अब हम करने जा रहे हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कहा था कि भाई ये डिसाइड है तुम्हारे मेरे बीच में, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, कि भाई एक काम करो ये जो अलग अलग डेट के पेमेंट्स हैं, कि हाँ जी कितने पेमेंट है, एक दो तीन चार पांच, ये बेटे पांच डेट हैं जहां पर 22,000 और ये 22,000 पेमेंट मांग रहे हैं, इन दोनों के बीच में ये डिसाइड हुआ है। क्या इनमें से कोई एक डेट बीच की ऐसी चुनी जा सकती है कि टोटल 1,10,000 उस डेट पर फाइनल इकट्ठा ले लें हम? क्या मतलब, क्या कोई डेट ऐसी चुनी जा सकती है यहां पर डेट, एक ड्यू डेट, बड़ी सारी ड्यू डेट्स की? क्या मतलब सर, देखो पहली ड्यू डेट कौन सी है, ड्यू डेट ये वाली है, ड्यू डेट नंबर वन। एक और ड्यू डेट है, हाँ जी, ड्यू डेट नंबर टू, ड्यू डेट नंबर थ्री, ड्यू डेट नंबर फोर, ड्यू डेट नंबर फाइव। पांच ड्यू डेट्स हैं, इन सभी ड्यू डेट्स में से क्या हम कोई ऐसा एवरेज निकाल सकते हैं इन ड्यू डेट्स का, एक डेट ऐसी जहां पर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए, बीईपी आ जाए, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए। क्या मतलब, क्योंकि देखो ब्रेक इवन डेट पर हम चाहते हैं सारा पेमेंट इकट्ठा हमें मिल जाए, कितने रुपए, 1,10,000 रुपए हमें इकट्ठे मिल जाए एक डेट पर, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में तो 1,00,000 रुपए नहीं दे सके, अब तुम हमें टुकड़ों टुकड़ों में क्या करोगे, हमें 1,10,000 दोगे अलग अलग डेट पे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 22,000 तुम हमें यहाँ पर मत दो, जाओ तुम्हें माफ कर दिया, यहाँ भी मत दो, जाओ तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये तो कर दो लेट, इनको तो लेट पेमेंट कर दो चाहे, लेकिन अगले वाले जो है ये वाले, ये यहाँ पर नहीं, इनको जरा अर्ली पेमेंट कर दो कुछ इस तरह की बात हो जाए कि एक ऐसी डेट चुनी जाए ऑन एन एवरेज जहां पर सारा पेमेंट इकट्ठा ले लिया जाए, स्टार्टिंग में नहीं बीच में कहीं, जिससे दोनों पार्टी को किसी भी पार्टी को नुकसान ना रहे। किस चीज का नुकसान ना रहे, इंटरेस्ट का नुकसान ना रहे। सर कैसे, सर इंटरेस्ट का कैसे नुकसान ना रहे, मतलब सुनिए मेरी बात आप मान लो कि आप हो मिस्टर एक्स सारे बच्चे अपने आप को मिस्टर एक्स माने, ओजस्विनी बेटा वीडियो ऑन करो, और ये कौन कौन बच्चे हैं, और देखो जरा आज इनको अच्छी वाली डांट लगने वाली है, बस ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, आप सब बच्चे क्या करेंगे, अपने आप को मानेंगे मिस्टर एक्स, क्या मानेंगे बोलो, मिस्टर एक्स, और मैं बन गया हूं कौन बेटा, मिस्टर वाई। मैं आपको 22,000 रुपए दूंगा पांच इंस्टॉलमेंट में। सारे बच्चे, बेटे हुआ क्या, आपने और मैंने बात कर ली कि सर ऐसे तो बार बार हिसाब किताब करने में ना मजा नहीं आ रहा, एक बार इकट्ठा पेमेंट कर दो ना, पैसा टूटेगा नहीं, कम से कम कुछ दिखाई तो देगा, कुछ आ तो जाएगा इसका। मैंने कहा चलो ये 22,000 तुम मुझसे, मैं तुम्हें अभी नहीं दे रहा हूं यहां पर, सर अभी दे दोगे तो सोच के देखो जरा, मैं जब यहां पर नहीं दूंगा तुम्हें लेट दूंगा, पता है बेटे मेरा फायदा होगा, अजय राठी मिस्टर वाई का फायदा होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा बोलो, तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि उस 22,000 को लेकर के मैं ब्याज पे चला लूंगा, या मैं अपना कोई काम निपटा लूंगा,
जिससे मुझे ब्याज ना देना पड़े, मतलब मेरे को इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा लेट पेमेंट करने का। ये वाला पेमेंट भी मान लिया मैं लेट कर रहा हूँ, लेट सपोज मेरे को बेनिफिट होगा। लेकिन अपने आप को सोचना, मिस्टर एक्स क्या सोचेगा, तुम क्या सोचोगे, तुम्हारे पास तो पैसा आना है, तुम कहोगे ओहो अभी भी नहीं आया, इतने पैसे पे तुम ब्याज कमा लेते, ये पक्का मिस्टर भाई ब्याज कमा रहा होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल 100% कमा रहा होगा। लेकिन सोच के देखो जरा, क्या ऐसी बात मैं बाद वाली दो इंस्टॉलमेंट पे नहीं सोचूंगा? ये वाली इंस्टॉलमेंट कौन से वाली सर? ये वाली जी, ये वाली। मैं कहूंगा ओहो मैं तो बहुत बाद में देता, मुझसे तो अभी ले लिया इस वाली डेट पर। और तुम क्या सोच रहे होंगे, ये तो भाई जल्दी आ गया, बढ़िया है, अब हम इस पे ब्याज भी कमा लेंगे, ये लेट देता लेकिन इसने पहले दे दिया। तो बेटे ध्यान रखना, कहीं पर मेरा नुकसान होगा तुम्हारा फायदा होगा, कहीं पर तुम्हारा नुकसान होगा मेरा फायदा होगा, लेकिन वो नुकसान और फायदे के बीच की डेट जो बराबर बैठ जाएगा। अगर मैं इधर कोई फायदा उठाऊंगा तो उधर मैं, अगर मैं इधर कोई फायदा उठाऊंगा इंटरेस्ट का तो उधर मैं उतना ही नुकसान उठाऊंगा, और दोनों के बीच में कहीं ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा कि इस डेट पर अगर पेमेंट का सेटलमेंट हो जाए तो वो नुकसान और फायदा मिलाकर के जीरो हो जाएंगे, ना तो किसी को नुकसान ज्यादा होगा और ना किसी को फायदा ज्यादा होगा, जितना नुकसान होगा उतना ही फायदा होगा, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं ना किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स प्राइस डिटरमाइन करने के लिए, इतना तो हो कि कॉस्ट निकल जाए ताकि प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी ना हो, बिल्कुल ऐसे ही बेटे यहाँ पर भी ब्रेक इवन पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। बस ब्रेक इवन पॉइंट किसका होगा यहाँ पे, डेट्स का, ड्यू डेट्स का, और वो डेट चुनी जाएगी एवरेज निकाल करके, ऐसी डेट जिस डेट पर किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट का यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नुकसान नहीं। कुछ पेमेंट जल्दी आ जाएगा जी, लेकिन कुछ पेमेंट लेट जाएगा, और दोनों के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पर वो सेटल हो रहा है कि उस जगह पर किसी का भी नुकसान नहीं होगा, वही कहलाता है हमारा एवरेज ड्यू डेट वाला पॉइंट। पहले मुझे बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या सब बच्चों को समझ में आ गया है? क्योंकि बेटे क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा और मैं कॉन्सेप्ट अभी ये सारा का सारा लिखाऊंगा भी, तो मैं पहले वेट कर रहा हूँ सब बच्चों के थम्सअप का कि यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। आइए भावेश कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं पूछना चाहता, वो गलती से रेज हैंड का लग गया। अच्छा अच्छा गलती से रेज बेटा माइक बंद रखो। अच्छा जन्नत कुछ कह रहे हैं शायद, बोलो बेटा। और नलायक अमन ये क्या कर रहा है, और सीधा हाथ देना था ये, इसको मारो पकड़ के, अंगूठा उल्टा। सर रिपीट कर दीजिए, को नेट प्रॉब्लम हो गया था अभी जो आप पढ़ा रहे थे बीच में वो हो गया। ओके ओके ओके, आइए जी मैं एक बार फिर से बात करता हूँ बेटे। देखिए होता क्या है, जब हमारा किसी तरह का कोई पेमेंट है जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में आना है, जैसे मैंने बताया था कि आप बन जाओ मिस्टर एक्स और मैं बन जाता हूँ मिस्टर वाई, आप लोगों ने मेरे को कोई माल बेचा, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, सारे बच्चे बताओ मैं हूं कौन मिस्टर वाई, आप हो कौन, बोलो आप हो कौन मिस्टर एक्स, आपने मेरे को कोई माल बेचा और मैंने डिसाइड किया, मैंने और आपने मिलकर डिसाइड किया कि चलो जी हम 22,000 की 5 इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। तो ठीक है जी, 22,000 की हमारी और तुम्हारी बात हो गई कि 5 इंस्टॉलमेंट में अजराटी सर मिस्टर वाई आपको पेमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना ये अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, एक ड्यू डेट ये है जी, ड्यू डेट नंबर 1, ड्यू डेट नंबर 2, अलग अलग डेट पर मेरा पेमेंट ड्यू होगा, उससे पहले आप मुझसे कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, अगली बात, अगली बात, तो मैंने इस चीज को ग्राफ पे लिख लिया कि भाई पहली ड्यू डेट पर मुझे कितने देने हैं, बोलो 22,000, दूसरी ड्यू डेट पर मुझे कितने देने हैं बेटा, फिर से 22,000, ऐसे ही तीसरी डेट, ऐसी चौथी डेट, ऐसी पांचवी डेट। तो हुआ क्या बेटे, इन सभी डेट्स में से कोई बीच की कोई एक डेट ऐसी चुनी जाएगी जिस डेट पर सारा पेमेंट एक बार ले लिया जाएगा, ये नहीं कि बार बार टुकड़ों टुकड़ों में, फिर पैसा टूट जाता है तो उस पैसे का मजा नहीं आता। तो 22,000 करके 5 इंस्टॉलमेंट में कितने लेने हैं, 110,000 कह रहे हैं हम अभी नहीं ले रहे, ये वाले पेमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग, लेट ले रहे हैं ये वाला पेमेंट, देर से करेंगे, लेकिन ये वाले पेमेंट कुछ जल्दी आ जाएंगे। कहीं बीच में कहीं एक ऐसी कट ऑफ डेट होगी, ये वाली डेट, इस डेट पर हम लोग क्या करेंगे, इस डेट पर हम लोग क्या करेंगे बेटे,
ये एक डेट निकलेगी, कोई डेट निकल के आएगी एवरेज करके, डेट्स का एवरेज करके एक डेट निकल के आएगी जिसको हम बोलेंगे ये है जी ब्रेक इवन पॉइंट वाली डेट। इस डेट पर 1,10,000 इकट्ठे पे कर दिए जाएंगे, मैं पे करूंगा आपको और आप उसको रिसीव करोगे, तो इस डेट को हम बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। इस डेट पर क्या होता है सर, इस डेट पर सारा पेमेंट इकट्ठा दे दिया जाता है। इससे क्या फायदा होगा सर, बहुत सारे पेमेंट्स का इकट्ठा एक ही डेट पर लेने से इकट्ठा पैसा भी मिल जाएगा, यूज भी हो जाएगा और जरा चीजें भी आसान हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें उलझने से बच जाएंगी। क्या सर इसमें कैसे, सर कैसे फायदा कैसा नुकसान, बेटे सोचो जरा। सारे बच्चे बनेंगे क्रिएटर, अपने आप को क्या बनाएंगे, क्रिएटर मिस्टर एक्स। और सोचो आप लोग हो दुकानदार जिसने मेरे को माल बेचा और आपके पास में पैसा आने वाला है, कौन देने वाला है, अजराटी सर मिस्टर वाई। इमेजिनेशन कर ली सब बच्चों ने पक्का, बेटे मैंने कहा और आपने आपने मान लिया, हम दोनों ने एक डेट डिसाइड कर ली। क्या होगा, मैं आपको ये वाला पेमेंट अभी नहीं दूंगा, ये वाला जो पेमेंट है अभी नहीं दूंगा, इसको मैं क्या करूंगा डिले करके दूंगा, क्योंकि हमारी डेट तो यहां पर है ना एवरेज वाली है ना, ये ब्रेक इवन डेट पॉइंट आएगी, इस डेट पर मैं पेमेंट करूंगा, यानी ये वाले पेमेंट तो मेरे लेट हो जाएंगे, जिस पर मुझे फायदा होगा तुम्हें नुकसान होगा, तुम्हारा ब्याज का पैसा मारा जाएगा, तुम्हारे पैसे पर ब्याज का तुम्हारा नुकसान होगा और मेरा क्या होगा फायदा, सोच के देखो, तुम अपना सोचो बस, मैं अपना सोचता हूं तुम अपना सोचो। तुम्हारा नुकसान है इसमें क्योंकि तुम्हारे पास पैसा लेट आ रहा है, तुम्हारा ब्याज का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगला जो पैसा देर में आना था वो तुम्हारे पास पहले ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, उस पर तुम्हारा ब्याज का फायदा होगा जी पक्का। पानी पी ले रजत, अभी से नींद आ रही है जवानी में है? हाँ पानी वानी पियो, आओ जरा। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, कुछ पेमेंट तो लेट होगा जिस पर तुम्हारे को नुकसान होगा क्योंकि तुम्हारा पैसा ब्लॉक होगा, जिससे तुम ब्याज कमा सकते तो नहीं कमा पाओगे, लेकिन कुछ पैसा ये वाला ऐसा होगा जो तुम्हारे पास पहले ही आ जाएगा और तुम उस पर इंटरेस्ट को अर्न कर पाओगे, चाहे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके चाहे बाहर ब्याज पे चला के जैसे भी। और जो तुम्हारा इधर नुकसान हुआ था उतना ही उधर फायदा हो जाएगा और ये नुकसान और फायदा मिलकर के जीरो हो जाएंगे, एक ऐसी डेट जहां पर ना तुम्हारा नुकसान बैठेगा और ना तुम्हारा फायदा बैठेगा। यही काम मेरे साथ भी होगा, पेयर के साथ भी होगा। तो ये डेट दोनों के दोनों क्या करेंगे, मिलके चूज करेंगे कैलकुलेट करके। वो कैसे चूज करते हैं बेटे, डेट्स का एवरेज, डेट्स का एवरेज निकालेंगे। आज हम लोग यही सीखेंगे बस। सर ऐसा हो सकता है कि वाई लास्ट वाले दोनों ड्यू डेट्स 4,000 का इंटरेस्ट नहीं दे, तो मैं छोटे छोटे ऐसे इधर उधर की बातें मत जाना, ठीक है ना। तो मेरी बात समझ गए, ठीक है, यहां तक बात ओके है। चलिए पहले ना इसको लिख लेते हैं हम लोग, इसी बात को जो मैंने अभी आपको समझाई, पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं और फिर हम लोग एग्जांपल पे आते हैं। दो एग्जांपल के बाद तीसरे एग्जांपल में तुम्हारे हिसाब से चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे। आइए बेटे करते हैं जी मैथ की क्लास। बताओ जी शुरू करते हैं, हेडिंग डालो बेटे एवरेज ड्यू डेट, हेडिंग डालो बेटे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट लिखने से पहले एक बात बोल दूं ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए और चैप्टर में कभी गलती ना हो, इस चैप्टर का नाम ना बड़ा गंदा रखा है सर। क्यों, इस चैप्टर का नाम पता क्या होना चाहिए था, एवरेज मैच्योरिटी डेट। क्या होना चाहिए था, एवरेज मैच्योरिटी डेट। आप समझ गए हो ना क्यों क्यों होना चाहिए था, इस चैप्टर में क्या गलती होगी, इन्होंने नलायकी कर रखी है। नाम चैप्टर का रखा है एवरेज ड्यू डेट, और जब भी कैलकुलेशन होती है वो मैच्योरिटी डेट का एवरेज निकलवा रहे होते हैं, थ्री ग्रेस डेज जोड़ने के बाद। जहां पर टाइम वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टर्म होता है, वहां पर तीन ग्रेस डेज जोड़े जाते हैं कि नहीं, है ना। और जहां पर टाइम नहीं होता, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, जो जहां पर टर्म नहीं होती वहां पर थोड़ा ना जोड़ते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं, लिखिए बेटा इन बिजनेस या इन द बिजनेस, लिखिए बेटा Mm-hmm.
many receipts and payments payments by and from single party may occur at the different point of time. क्या कहा मैंने बेटा? बिजनेस में बहुत सारे पैसे रिसीव करना और पेमेंट करना बनता है किससे? सिंगल पार्टी से, और वो भी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर. ठीक है, आइए जरा सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग different dated so instead of making different dated payments a single date is single date is chosen. अब तुम पूछोगे फिर बाद में मेरी राइटिंग की बुराई करोगे, सुन लो ध्यान से, मुझे बड़ा दर्द होता है. हाँ, चूजन, कभी कोई चूजा चूजा करने लगे, ये चूजन है. हाँ, सूजन फॉर पेमेंट ऑफ होल ड्यू अमाउंट ठीक है बेटे, एक सिंगल डेट चूज की जाती है किसके लिए? सारी अमाउंट को उसी डेट पर सेटलमेंट किया जाता है. ठीक है, विच इज कॉल्ड, लिखो, दैट डेट is called average due date. वो डेट कहलाती है एवरेज ड्यू डेट, जिस डेट पर हम सेटल कर रहे होते हैं ये सारी एक इकट्ठा वन शॉट में. आइए जी आगे बढ़ते हैं. बेटा एग्जाम में आए तो ऐसे लिखना जैसे मैं आपको लिखा रहा हूं. पहले ये चैप्टर सीए इंटर में था, उसका नाम तब हुआ करता था आईपीसी सीआईपीसी, वहां भी हम लोग ऐसे पढ़ाते थे. सेम टिक टॉप ये आपके यहाँ पे आ गया, कह रहे तो हल्का चैप्टर है, नीचे भेज दो फाउंडेशन. आइए बेटे लिखिए जरा, इसको तरीके से लिखते हैं बिल्कुल वैसे जैसे सी इंटर में लिखा करते थे इस चैप्टर को उस टाइम जब हम पढ़ते थे. बेसिकली एवरेज ड्यू डेट है क्या? इज arithmetic average of various payment dates. चलिए जी बात तो समझ में आ गई. ठीक है भाई, डेट्स का एवरेज है, लेकिन इससे होता क्या है? आइए अगली लाइन में लिखें इसका, बल्कि एक अलग हेडिंग बना दूं क्या? अलग हेडिंग बना देता हूं. व्हाई टू चूज एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट क्यों चूज करते हैं जी? या दूसरे शब्दों में बेनिफिट्स
एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है. बेनिफिट्स ऑफ एवरी ड्यू डेट. किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए ये लिखना है जी, जो मैं लिखा रहा हूं. आइए जी लिखते हैं. व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन सच डेट instead of various payment dates, then कुछ payment जल्दी हो जाती है due date से और कुछ payment late होती है. मैं वही लिखाने जा रहा हूं. then some amounts are paid before their actual due dates. कुछ तो ऐसी हैं जिनका पेमेंट उनकी एक्चुअल ड्यू डेट से पहले हो जाता है जी. एंड सम आर पेड आफ्टर दियर एक्चुअल ड्यू डेट्स. कुछ को तो जी जल्दी से पेमेंट कर दिया जाता है अपनी ड्यू डेट से पहले, और कुछ को क्या करते हैं उनका पेमेंट क्या होता है ड्यू डेट से डिले हो जाता है जी. अच्छा वाईफाई का तार टूट गया है. ओके चलिए जी ठीक है बेटे यहां तक सब ओके हैं. चलिए जी इससे होता क्या है जी. देखिए इन सच केस नाइदर डेटर नोर क्रेडिटर, दोनों में से कोई भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं बियर करता. लूज इंटरेस्ट, दोनों में से किसी का भी इंटरेस्ट का लॉस नहीं होता है जी. आइए जी फिर शुरू करें क्वेश्चंस. बेटे बीच में कुछ बातें होंगी जो मैं आपको बीच में बताता रहूंगा, लेकिन अभी क्या है कि पहले मैं आपको एवरेज डेट निकालने का पहले एक फॉर्मूला दिखाऊंगा. ठीक है पहले मुझे बात बताओ कि यहां तक आपने बिल्कुल नोट कर लिया अच्छे से, सब बच्चों ने नोट कर लिया? कोई बच्चा रह रहा हो तो बोलो, वरना मैं मानूंगा सब बच्चों ने नोट कर लिया. चलिए सर अभी का तो नोट कर लिया, इससे पहले का नहीं नोट किया था. मैच्योरिटी डेट आपने कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर? नहीं सर ऊपर, ये थ्योरी वाला तो लिख लिया ऊपर, जो आपने बताया था कि पेमेंट करते हैं ये देखो. और टाइम वैल्यू मनी ये यही है बेटा, हो गया बस इतना. हाँ, यहाँ से तो आपने स्टार्टिंग कराई थी, नोटिंग कराई थी? नहीं नोटिंग तो नहीं कराई थी बेटा, नहीं स्टार्टिंग कराई थी. हाँ ये चैप्टर का नाम लिखा था बेटा, और ये बात समझाई थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है. क्लियर जी सर? आप चेक करो कोई मिस हो गया हो तो. नहीं हो गया, अब सारा हो गया ना. हाँ आइए जरा आओ बेटा आगे बढ़े.
हाँ जी, अब फटाफट से एक फॉर्मूला लिखो, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू व्हाट? बेस डेट प्लस और माइनस जो भी होगा यहां पे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ने प्लस होगा, मतलब आगे फिगर माइनस की भी आ सकती है, कहने का ये मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स divided by total of amount, ठीक है। एक नोट लिखेंगे यहां पे, नोट क्या लिखेंगे, मैं यहां पे आपको एक हेडिंग डलवा रहा हूं और यहां पर लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स। तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे जो हमें यहाँ पे ध्यान रखने होंगे, वैसे तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा उसकी, पर नहीं भी भेज पाया तो आपको यहाँ पे लिखने हैं, चाहे पीडीएफ भेजो ना भेजो, आपको तो इस जगह पे एक ही जगह पे नोट करना है। यानी कि अब आप क्या करेंगे, यहां से डेढ़ पेज आप छोड़ देंगे जहां पर आपने हेडिंग डाला इंपॉर्टेंट नोट। बेटे क्या बताऊं मैं, छोटा सा चैप्टर है लेकिन इतनी सारी चीजें इसमें से निकल के आती है, ठीक है ना, काफी सारी। आइए जैसे सबसे पहले तो क्या, नंबर वन पॉइंट, एवरेज ड्यू डेट, यहां पर जो लिखा है, लिख रहे हैं बेटे एवरेज ड्यू डेट हियर, सर इसे इंपॉर्टेंट नोट्स में लिखना है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट नोट, यस, एवरेज ड्यू डेट हियर इज एवरेज मैच्योरिटी डेट। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं एवरेज ड्यू डेट चिल्ला रहे हैं, दरअसल ये एवरेज ड्यू डेट नहीं है। यहाँ पर नाम भले ही क्वेश्चन, यहाँ इंस्टीट्यूट ने भले ही चैप्टर का नाम एवरेज ड्यू डेट लिख रखा है, लेकिन बेटे यहाँ पर है एवरेज मैच्योरिटी डेट। यानी कि क्वेश्चन में अगर हमें ड्यू डेट दे रखी है, याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का केस, हाँ सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो एट साइट होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कौन से कर रहे हैं, आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, या जितने भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एट साइट के अलावा, यानी कि पेपर ऑन डिमांड के अलावा, ठीक है ना, जिसमें टर्म होती है, टर्म मतलब एक ड्यूरेशन भी होती है, 2 महीने, 3 महीने, 15 दिन, 10 दिन, जो भी, मतलब एक एक्स वाई जेड एक वहां पे ड्यूरेशन दे रखी होती है, मतलब टाइम होता है वहां पर। जितनी जगह पर टाइम वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें बेटे 3 दिन रिलैक्सेशन के देते हैं, तो 3 दिन जोड़ने के बाद डेट आती है मैच्योरिटी डेट। और यहाँ पर जब भी हमारा ऐसा केस होगा तो हम एवरेज किसका करेंगे, मैच्योरिटी डेट का करेंगे, ठीक है। Average due date here is average maturity date for which beta for bills of exchange with term मतलब duration, जहां पर time की duration दे रखी होगी उस जगह पर। अगर bills of exchange payable on demand होगा at site तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि वो तो जैसे होता है ना shoot at site, एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये bill at site लिखा है यहाँ पर 3 दिन क्यों नहीं जोड़े, मैंने कहा बिल्कुल वो ऐसा, मतलब देखते गोली मारने के आदेश होते ना, वहां पे मौका था ना, ढिचके आओ, वही काम है यहाँ पर। तो शूट एट साइट की तरह क्या है, बिल एट साइट मतलब देखते ही पेमेंट हो जाना, वहां पर कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन किस में बेटा, जहां पर ड्यूरेशन हो, ठीक है जी, तो 3 दिन वही जोड़े जाते ग्रेस डे। चलिए पहला पॉइंट तो ये हुआ जी। आइए जी, अब कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है सर, बिल्कुल पिछले चैप्टर में भी रिलेटेड थे हमारे, जहां जहां ड्यू डेट आई थी। आइए जरा तो समझ लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये नोट काम आने हैं, तो वो सारी चीजें दो दो बार लिखने के बजाय क्या एक ही बार लिखो ना। आओ जरा सेकंड पॉइंट लिखो बेटे, लिखाओ सर, सेकंड पॉइंट है हमारा, लिखो सेकंड पॉइंट, होलीडे
कौन से वाला, पब्लिक हॉलीडे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इस वाले दोनों चैप्टर के लिए पब्लिक हॉलीडे। बेटे वैसे तो आपको पता है पर फिर भी क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बात पूरी करेंगे। पब्लिक हॉलीडे बेटे यहाँ पे दो है, एक तो अभी अभी आपने देखा ही था कोरोना इमरजेंसी हॉलीडे है, एक है बेटे, एक तो प्री डिसाइडेड हो गया, अब तो मुझे लग रहा कैलेंडर में भी आएगा, ये कैलेंडर हॉलीडे बन जाएगा कोरोना, हर साल सर्दी में इतने महीने तक लॉकडाउन रहा करेगा। आओ जरा, एक तो होता है बेटे प्री डिसाइडेड हॉलीडे है, जैसे बेटे आपका संडे, ठीक है, और एक होता है बेटे मतलब सडनली डिसाइड करते हैं, जैसे सडनली जो सडन हॉलीडे होता है ना एकदम से, जैसे बेटे पिछली बार क्या होता कोरोना, मतलब उन लोगों के तो मजा आ गए होंगे जिनकी ड्यू डेट कोरोना में पड़ने वाली होगी पेमेंट की, उनका बस भाई अब तो मजे आ गए, मोदी जी ने टाइम दे दिया, बढ़िया, एक महीने से पहले मत बोल जाइए पेमेंट के लिए, और उसी के सामने रोज घूमते होंगे, भाई दिन तो आने दे, जब वर्किंग डे होंगे तब बात करियो, उससे पहले मत बात करियो, बस। तो मतलब सर फायदा तो उनका भी कुछ नहीं था ना, क्योंकि उनकी भी तो कौन सी काम चल रहा था, क्या कह रहे हो सर, फायदा तो उनका भी नहीं था ना, जिनका मतलब मजे आए थे क्योंकि उनका कौन सा काम चल रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हो, फायदा किसी का भी नहीं था बेटे, सभी का नुकसान था, वो तो ऐसे बस आपको एक थोड़ा सा याद रह जाए चीजें, इसलिए मैंने ऐसा कहा इमरजेंसी हॉलीडे, ठीक है। तो बेटे जो भी अर्जेंट हॉलीडे होते हैं ऐसे केस में जो ड्यू डेट क्या होगी, यहाँ पर तो बेटे जब प्री डिसाइडेड हॉलीडे होंगे तो यहाँ पर जो ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट वो कौन सी होगी, वन डे बिफोर, एक दिन पहले, एक दिन पहले। और अगर सडन हॉलीडे हो तो बेटा जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे अगर हमारा ड्यू डेट को, अब यहां पे एक गलती होती है बच्चों से क्या कि यहां पर हम तीन दिन जोड़ के तब चेक करेंगे, या बिना तीन दिन वाली ड्यू डेट की बात कर रहे हो सर, ध्यान रखना वो चीजें जो तुम्हें क्वेश्चन में मिलने वाली हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, और अगर आपने इन बातों को अच्छे से समझा तो क्वेश्चन में इतनी सी दिक्कत नहीं आएगी। वापस से बात करते हैं, एक है बेटा प्री डिसाइडेड हॉलीडे यानी कि जिसको पहले से डिसाइड कर रखा है, ये कहां पे मिलेंगे सर देखने को, बेटे जो भी हमारे कैलेंडर के हॉलीडे होते हैं, क्या कहा मैंने, जो भी हमारे कैलेंडर के हॉलीडे होते हैं सिर्फ उन्हीं की बात हम प्री डिसाइडेड में कह सकते हैं। लिख लीजिए यहां पर, प्री डिसाइडेड में आते हैं ओनली कैलेंडर हॉलीडे, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। और उसमें बच्चों का सबसे बड़ा डाउट क्या सर, सर ये बताओ 31 दिसंबर और जनवरी फर्स्ट को हॉलीडे होता है क्या, ये बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों का, जिन्होंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर किया है उनको भी डाउट था, अब पता नहीं आज तक सोल्व हुआ है कि नहीं हुआ, बताना जरा 31 दिसंबर और जनवरी फर्स्ट हमारा पब्लिक हॉलीडे है क्या, जल्दी बोलो, बोलो ना। नो सर 1 जनवरी है शायद, 1 जनवरी है शायद, सृष्टि कह रही है मेरे से तो पूछते नहीं, सृष्टि बोलो, मैं बोलो, अजय ध्रुव, कैलेंडर के हिसाब से तो नहीं है ये बात, इसने कैलेंडर खोल के चेक कर लिया नहीं 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 उसमें लिखा थोड़ी होता है, चलो जो रेड कलर के होते हैं उसमें वो सारे सारे पब्लिक हॉलीडे होते हैं कैलेंडर में, है ना, बिल्कुल सही बात। तो ध्यान रखना बेटे जो भी कैलेंडर के हिसाब से हॉलीडे होगा वो हमारा पब्लिक हॉलीडे होगा। अब सबसे बड़ा डाउट क्या होता है, जनवरी 1 और 31 दिसंबर को अक्सर लोग छुट्टी मनाते हैं अक्सर, लेकिन बेटे वो पब्लिक हॉलीडे नहीं है, तो हमारे एग्जाम में अगर छपता ये 31 दिसंबर या जनवरी 1 हमारी ड्यू डेट आती है तो बेटा उसको आप प्री डिसाइडेड पब्लिक हॉलीडे नहीं मानेंगे, नंबर एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है ये, ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं, सुनिए जरा, कौन कौन से हैं जो आपको कैलेंडर के ईयर क्वेश्चन में मिलने वाले हैं वो भी मैं आपको बता, मतलब इनके अलावा शायद ही कभी मिले, अच्छा सर क्या क्या है, लिख लीजिए,
जो क्वेश्चन में हमें मिलते हैं वो है बेटे, वो यहीं पे लिख लो प्री डिसाइडेड के बराबर में लिखो। सबसे पहले तो बेटे संडे, जो हमें क्वेश्चन में देखेंगे और मिलेंगे। फिर लिखो बेटे 26 जनवरी, फिर लिखो बेटे 15 अगस्त। ये वो हैं जो आपके पब्लिक हॉलीडे होते हैं। आइए जी एक और लिख लो भाई, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को छुट्टी रहती है, ठीक है जी। एक और लिखो भाई 14 नवंबर दिसंबर, नहीं बेटे 14 नवंबर का कुछ नहीं। आओ जी 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, संडे। इनके अलावा तुम्हें कोई भी कसम खा लो, कोई भी पब्लिक हॉलीडे नहीं मानना है। सर होली दिवाली, सर 25 दिसंबर अच्छा हो गया। हाँ सर होली दिवाली नहीं मनाते जब क्रिसमस मना रहे हैं। मेरे लाल मेरे काले नीले पीले क्वेश्चन में हमें कभी होली दिवाली नहीं मिलेंगी, अगर मिल जाए तो मैं मना लेना। आओ जरा अब सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटे, सारे बच्चे बेटे। अब उससे भी खतरनाक काम, बच्चा कहता है एक डेट निकल के आई क्वेश्चन में और उसने चेक की, अंटू फर्स्ट में नहीं हूं बेटा, उसने चेक की और उस दिन उसका जन्मदिन था। कमाल की बात, उसका जन्मदिन था और बच्चा कह रहा कि सर मजे आ गए। क्या मजे आ गए बेटा? कि सर मेरा जन्मदिन वाली ड्यू डेट बैठ रही थी वहां पे एग्जाम में। अच्छा, और सर पता है मैं तो लिख के आ गया, उस दिन तो संडे था, और सर देखो मेरा बिल्कुल कैलेंडर के हिसाब से एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन सॉल्व हुआ। उसकी घर पे आके उसकी मम्मी पिटाई करेगी। क्यों सर ऐसा क्यों? कसम खा लो बेटे दूसरी कसम, मोमबत्ती पे हाथ रख के, मोमबत्ती रख के बैठा करो बराबर में। जब भी बोलो कसम तुरंत जलाई और शुरू हो गए ओम दर, ठीक है ना। दूसरी कसम क्या कि बेटे जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले संडे, संडे मत मानना, तभी तुम शुरू हो जाओ नहीं नहीं ये तो फलाना डेट को, मैं कसम खाता हूँ मेरा पक्का याद है उसे संडे था। नहीं नहीं लड़ना नहीं है क्वेश्चन से, जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा संडे नहीं मानना, चाहे उस डेट को संडे क्यों ना हो। क्लियर बेटे? ये दूसरा पॉइंट है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ये सीए इंटर में था पहले चैप्टर, अब सीए फाउंडेशन में आ चुका है तो बहुत सारी गलतियां जो सी एंटर में जब बच्चे किया करते थे वो हमने सारी आपके लिए पहले से, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात हो गई जी, यहां तक बात हो गई जी। अगला पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट बेटे अगला पॉइंट है राउंडिंग ऑफ। कभी कभी क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन में ना फ्रैक्शंस आ जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, राउंडिंग ऑफ करना होगा डेज को, ठीक है। अगर ये 0.50 से ज्यादा हुआ तो इज इक्वल टू हम वहां पर 1 ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल, यहीं पे एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 23.50 हुआ मतलब बेटे 24 ऐसे माने जाएंगे। बिल्कुल वैसे जैसे पैसों में राउंडिंग ऑफ चलती है, रुपीस में राउंडिंग ऑफ चलती है, वैसे बेटे डेज में भी यहाँ पर राउंडिंग ऑफ चलेगी। क्योंकि बेटे जब डेट्स का एवरेज निकालेंगे तो डेट चाहिए हमें वहां पे। मान लिया 23.5 आया, हमने डेज जोड़े, 1 जनवरी में हमने 23.5 जोड़ा तो बताओ कितना हुआ, 23 जोड़ दिया सर 24 हो गया, तो 24.5 डेट लिखोगे। ये क्या होता है 25th लिखोगे फिर तुम, यानी कि वहां पर राउंड करना है और फिर डेट बतानी है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ नथिंग गिवन, अगर भाई नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। क्या सर? अगर नहीं दे रखा है, इफ नथिंग गिवन देन प्री एज्यूम प्रज्यूम। क्या प्री एज्यूम करेंगे जी बेटा जी? देन प्री एज्यूम क्या, ईयर जो है ईयर वो कौन सा है, ईयर इज इक्वल टू, ईयर ऐसे लिखो इज इक्वल टू, ईयर इज नॉट लीप ईयर, ईयर लीप ईयर नहीं है। सर लीप ईयर मतलब
बेटे लीप ईयर वाले बड़े दुखी रहते हैं, जिनका जन्मदिन 31 फरवरी को हुआ था, वो बेचारे चार साल में जन्मदिन मनाते हैं। सृष्टि ऐसे ही है ना, सृष्टि का जन्मदिन 31 फरवरी को हुआ था, हाँ, और सृष्टि बेचारी चार साल में एक बार जन्मदिन मनाती है। और ये अमन, हाँ भाई अमन सही कह रहा हूँ, तुम्हारा भी तो जन्मदिन 29 फरवरी को है ना? यस सर, मेरा तो हकीकत नहीं है ये, इसको सच में देखा, क्या कहा था मैंने, आज तुम मुझसे कुछ भी कलवाओगे हे भगवान, सारे बच्चों की रैंक कट है, देख लो अब ये सर ये भी सचने वाला है, जाओ तुम भी याद रखोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखो तुक्का कहाँ लग गया भाई, वाह मैं तो ऐसे ही शैतानी कर रहा था। सुनिए बेटा, तो लीप ईयर का मतलब कौन क्या होता है बेटे, जब आप किसी ईयर की डिजिट को चार से डिवाइड करें और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा हमारे क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं। पहले तो देखो 2020 एक लीप ईयर है कि नहीं, आइए देखते हैं जरा। इसको हम चार से डिवाइड करते हैं, चार से चार पंजे बीस, जीरो चार पंजे बीस, हाँ जी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि ये लीप ईयर है। लीप ईयर होने से क्या होगा जी, इस केस में क्या होगा बेटे, फरवरी जो है, फरवरी हमारी 29 दिन की होगी और टोटल जो ईयर के डेज होंगे वो 365 डेज होते हैं, सॉरी 366 डेज होते हैं ऐसे ईयर में, क्योंकि एक दिन फरवरी वहां पर ज्यादा की होती है, यानी कि 365 डेज ना होकर के 366 डेज होते हैं ऐसे केस में। चलो आइए आगे बढ़ते, दिल तोड़ दिया उसने जिसने जन्मदिन वापस ले लिया, कह रहा मैं तो मजाक कर रहा था, बताओ मुझे तो खुशी हो गई थी यार, आज मैंने तो रैंक बोल दी थी। चलो आओ जी, थोड़ी देर तो चुप रहता इस लेक्चर तक जब तुमने बोल ही दिया था, आओ जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चों, ईयर जो है क्या है वो लीप ईयर नहीं मानेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो, मतलब अगर हमें ईयर की डिजिट दे रखी है, 2020 दे दिया फिर तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, 2016 दे दिया तो भी हम डिवाइड करके निकाल लेंगे, 2017 दे दिया, 2015 दे दिया, बेटे डिवाइड करो, करना जरा, 2015 को चार से डिवाइड किया, चार पंजे बीस, जीरो चार दिया बारह, बचे कितने तीन, चार सत अट्ठाईस, चार पंजे बीस, ओहो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, इसमें तो फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो बेटे ये लीप ईयर नहीं है। क्वेश्चन में हमें ऐसे चेक करना है, दिस इज नॉट लीप ईयर, जो पूरा डिवाइड हो जाए बिना फ्रैक्शन आए वो तो लीप ईयर होता है, लेकिन जो डिवाइड नहीं हो पा रहा वो फिर हमारा लीप ईयर नहीं होता। यानी कि यहां पर बेटे फरवरी कितने की होती है, 28 दिन की, अच्छा, और 365 डेज होते हैं जो नॉर्मल ईयर में हम लोग मानते हैं अक्सर। बेटे पॉइंट पूरी तरह क्लियर है, किसी बच्चे को फिर बाद में वरना क्वेश्चन में दिक्कत आती है, मैं इसीलिए पहली क्लास में वो सारी बातें पहले से बच्चों को लिखा देता हूँ और समझते हुए। चलिए यहां तक बात ओके है, तो एक लास्ट बात बोल के फिर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए पॉइंट नंबर 5, आइए बेटे पॉइंट नंबर 5 क्या सर, हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो ये कहता है कि जब आप डेज काउंट करो तो आप एक दिन छोड़ दो, या तो शुरू वाला या लास्ट वाला, क्या बोला, या तो शुरू वाला या फिर लास्ट वाला, कोई भी एक दिन छोड़ दो, ऐसा हमारा स्टडी मैट कहता है। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया था डेज ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में, आपको क्या करना है, आपको हमेशा स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना है, कौन सा छोड़ना है, स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, वही बात मैं यहाँ पर दोबारा से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आइए जरा, फोर काउंटिंग ऑफ डेज, स्टार्टिंग डे इज लेफ्ट, स्टार्टिंग डे छोड़ा जाता है। मैं यहां पे ये भी नहीं लिखवा रहा कि आईसीआई कहता है तुम्हारी मर्जी है स्टार्टिंग छोड़ो चाहे एंडिंग छोड़ो, मैं तो आपको सिर्फ एक चीज लिखाना, स्टार्टिंग डे इज लेफ्ट, आपको स्टार्ट वाला डे छोड़ना है बस। लो जी मुझे जो नोटिंग करानी थी, एक लास्ट लाइन लिखा करके फिर क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्या है सर पॉइंट नंबर 6, ये क्वेश्चन की फॉर्म में है, विल योर आंसर बी सेम इफ डिफरेंट बेस डेट
देखो बेटे, यस हमारा आंसर सेम होता है चाहे हम किसी भी बेस डेट से एवरेज निकालें। हाँ जी, क्या होता है, कैसे निकालेंगे, आइए अब शुरू करता हूं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जी, और ध्यान से समझना, क्योंकि इसी चैप्टर से हमारा फिर अगला चैप्टर अकाउंट करंट कब में शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब तुम्हारे चार पांच क्वेश्चन एवरेज टू डेट वाले, तो फिर यहाँ पर मैं नंबर 6.45 एक बार बोलिए क्या जी। अच्छा बोलता हूँ, नंबर 6 पॉइंट, विल योर आंसर बी सेम, क्या तुम्हारा आंसर सेम रहेगा अगर आपने बेस डेट कोई और ले ली। आंसर इज यस, यानी कि आप किसी भी बेस डेट को चूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो आपका आंसर सेम आएगा, सेम यही एवरेज ड्यू डेट आती है। चलिए मैं शुरू करता हूं, एक क्वेश्चन लेते हैं, शुरू करें। चलो जी शुरू करते हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि मैं मैथ पढ़ा सकता हूं। आईपीसीसी वालों को तो अच्छा लगता था, सीए इंटर वालों को तो, अब देखते हैं फाउंडेशन वाले बच्चे मैथ में खुश रहते हैं कि नहीं रहते। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर वन। लो बेटे, मिस्टर एक्स हैज टू पे द following amounts to Mr. Y. Mr. X को ये वाली अमाउंट मिस्टर वाई को पे करनी है, और इसकी बेटे डेट्स बता रखी हैं, किस किस डेट पर कौन कौन सी अमाउंट उसको पे करनी है, डेट्स दे रखी हैं, और क्या दे रखा बेटा, अमाउंट दे रखी है। सबसे पहले बताया 1/4/2019 या 2017, क्या 1,000 रुपये की अमाउंट, फिर बेटे 1/7/2000, तुम्हारे एग्जाम में तो 19 आएगा, तुम्हें 21 आएगा, तो मैं 21 लेता हूं ना, 2000, फिर आएगा जी 1/11/2021, 3,000 रुपये यहां पे करने हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये कहता है, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। हाँ एक पे छोड़ दो वहां पे इंपोर्टेंट के लिए, बिल्कुल बेटा, एवरेज ड्यू डेट क्या है जी, इस बात को कैलकुलेट कर लिए। ध्यान रखना क्वेश्चन बड़े प्यारे हैं जी, शुरू शुरू में अजीब लगेंगे, बाद में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तुम गाना गाते फिरोगे लत लग गई। हाँ फिर बेटे ये लत लग जाती है इन क्वेश्चन, इतना प्यारा क्वेश्चन है। अब देखो जरा कितने मजेदार क्वेश्चन है, निकालो जरा मेरे साथ साथ में। कैसे निकालेंगे सर, आइए बेटा जी लिखिए फटाफट से आंसर, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, कैसे प्रेजेंट करेंगे बेटे। शुरू से ही मैं बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ, और ये नलायक जितने भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं ना, जल्दी जल्दी ऑन कर लो सच में, अब बस नहीं तो होने वाला है फिर गड़बड़। सर पहले वाले के अमाउंट बताना एक बार बेटे, कितना सुंदर लिख लो फिर भी तुम जानबूझ के छेड़ दो, मुझे पता है तुम जानबूझ के छेड़ दो, कितना साफ नहीं, ओके सर 1,000 2,000 3,000 ओके जानबूझ के छेड़ते हैं, मुझे पता है अपनी राइटिंग तो अच्छी है नहीं तुम लोगों की, और मेरी राइटिंग पे कुछ मार्क करते हैं। आओ जरा स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं हो जाएगी, मेरी तरह प्रैक्टिस करो, मेरी तरह हो जाएगी। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, लो भाई लो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। लो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हवन करेंगे, ड्यू डेट्स लिखेंगे। बताओ बेटे पहली ड्यू डेट क्या है जी, सबसे पहली ड्यू डेट है जी 1/4/2021,
21, फिर दूसरी ड्यू डेट क्या है जी, 1/7/2021। चलिए जी फिर अगली ड्यू डेट क्या है जी, 1/11/2021। फिर क्या है बेटा जी, यहाँ पर हमने लिख ली जी अमाउंट, लिख ली बेटा जी अमाउंट्स। बताओ अमन पहली अमाउंट क्या है? 1000। देखा, दिख रहा है ना अच्छे से, 1000, दूसरा 2000, तीसरा 3000। कह रहे सर टाइम पीरियड क्या है, आओ जना देखते हैं ना। लो जी ये तो हो गई बेटे हमारी ड्यू अमाउंट और ये हो गई ड्यू डेट्स। अब हम क्या करेंगे बेटा ध्यान से, आपने हो सकता है किसी बच्चे ने निकाला हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन एक्स बार वगैरह, जिन्होंने निकाला है वो समझ जाएंगे, और नहीं भी निकाला है तो कोई बात नहीं, आराम से देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये क्या है बेटे, इसको हम मानेंगे एफ, क्या मान रहे बेटा एफ, और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा एक्स, वो ड्यूरेशन जो तुम पूछ रहे हो, एक बच्चा पूछ रहा है। अच्छा जी, और यहां पर क्या होगा, हम करेंगे एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एफ की और एक्स की मल्टीप्लाई कर करके हम लोग यहां पे लिखते रहेंगे। ठीक है जी, और जितनी भी अमाउंट्स होती हैं उनका टोटल क्या कहलाता है, एन, क्या कहलाता है एन। शुरू करें, आइए जी, इनका टोटल क्या है, 3, 2, 5 और 1, 6000, इनका टोटल है बेटे 6000। बेटे हमें एक्स ढूंढना है, स्टैटिस्टिक का थोड़ा सा यहाँ पे रोल है। देखिए बेटे होता है क्या, हमें डेट्स का एवरेज निकालना है, सारे बच्चे बिल्कुल पेन छोड़ देंगे, एकदम बिल्कुल पेन रख देंगे जी, बिल्कुल चाहे आता हो, ये देखो ओजस्विनी ने सबसे बढ़िया रखा, ले पकड़ तू, शुरू हो जाता है कभी भी कुछ भी है, ओजस्विनी ने ऐसा फेंका, ये ले भाई, देखिए क्या कैमरे में दिखना चाहिए ऐसे, वरना फिर बोलेगा सरबजीत ने बढ़िया राड काट रखी है, स्वयं ने भी, रितु ने भी, अमन ने भी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कैमरे बंद कर दो, बत्ती बंद कर रखी इन्होंने, आ जाए। हाँ चलो अंटू का बढ़िया है, ले पंखा देख, ले छत की तरफ, बस अंटू छत का पंखा दिखाता रहे, अंटू बेटे फेस पे लाओ ना कैमरा, देखो ये इतना सुंदर चेहरा है फिर भी, हाँ इधर लाओ, हाँ चेहरा दिखाओ यार, ऐसे पता तो चले बच्चे के माथे पे सलवटे, माथा ही नहीं दिखेगा तो पता कैसे चलेगा। हाँ ये बात माना कि हम भी रामदेव बाबा के भक्त हैं, ये बात। चलो शुरू करते हैं, लो बेटे 1 अप्रैल 2021 को 1000 रुपए की अमाउंट लेनी थी बेटा, ध्यान से अब अमाउंट को साइड करो, ड्यू डेट्स की बात करो, एक डेट हम लोग चूज करेंगे, अगर मान लिया बेटे ध्यान से एक डेट इनमें से कोई भी चूज कर लो, और उस डेट से लेकर के इन ड्यू डेट्स तक की ड्यूरेशन निकालनी, क्या निकालनी बेटा, ड्यूरेशन निकालनी, कितना अंतर है उस डेट और इन सभी ड्यू डेट्स तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्हीं डेट में से एक डेट हमें चूज करनी बेटे, इनमें से ही एक, और बेस्ट है, और स्टडी मटेरियल भी हमारी यही प्रैक्टिस कराता है जो मैं आप बताने जा रहा हूं, बेस्ट है और स्टडी मटेरियल भी यही प्रैक्टिस कराता है जो मैं कराने जा रहा हूं, हालांकि डिफरेंट प्रैक्टिस भी एक्सेप्टेबल है और उनसे भी आंसर सेम आएगा। जो मैंने आपको याद है क्वेश्चन लिखाया, क्या लिखाया सर, विल योर आंसर बी डिफरेंट या सेम इफ डिफरेंट बेस डेट इज देयर, अगर बेटे हम डेट चेंज करें, बेस डेट चेंज करें तो क्या हमारा आंसर तब भी सेम आएगा, तब भी सेम आएगा जी। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए और एक आसान सी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा ये काम करेंगे जो मैं करने जा रहा हूं, इन सभी ड्यू डेट्स में से एक डेट को हमें चूज करना होता है एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए, और स्टडी मैट भी ये कराता है, सबसे पहली डेट को बेस डेट बनाना है, कौन सी सबसे पहली डेट को बेस डेट बनाना है, बताइए बेटे, अप्रैल पहली तो डेट है 1 अप्रैल, दूसरी डेट है 1 जुलाई, तीसरी डेट है 1 नवंबर, इनमें सबसे पहले कौन आता है जी, 1 अप्रैल आती है सर, कैसी बातें पूछ रहे हो सर। मैंने कहा बेटे ऐसा भी तो हो सकता है क्वेश्चन में ये डेट बाद पहले लिखी हो और ये बाद में लिखी हुई मिले, तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें उसे पहले टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है, ये बात बहुत काम की है, क्वेश्चन में आपको कब में ये चीज हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है,
अर्लीस्ट डेट को बेस डेट बनाना है तो अर्लीस्ट डेट पहले लिखना तो हो, या बस नंबरिंग में देखा सबसे पहले कौन सी डेट है, मान लिया 1-7 वाली यहाँ पे लिखी होती तो फिर मैं उसको बनाने लगता। तो रटना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? जो सबसे पहले वाली डेट है उस डेट को बेस डेट बनाना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये सब सिक्वेंस में लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लो जी, हमने यहाँ पर लिखा कि हमारी जो बेस डेट है वो क्या है, जिसके आधार पर हम ये क्वेश्चन करेंगे, वो है बेटे 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021। अब 1 अप्रैल 2021 जो है वो है बेटा बेस डेट। इस बेस डेट को सारी ड्यू डेट में से घटाना है और निकालना है जी डेज का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आएगा ये किसमें किसमें आएगा बेटे? डेज में आएगा। किसमें आएगा बेटा? डेज में आएगा। जरा निकालना फटाफट। अच्छा, डेज में क्या करें, इसको मंथ में निकाल लेंगे, यहां तो मंथ में आ सकता है। ये हम मंथ में एवरेज निकाल रहे हैं तो मंथ में ही हम यहाँ पे क्या करें, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सारे बच्चे देखेंगे, बताओ बेटे 1 अप्रैल में से जब 1 अप्रैल घटेगी तो कितनी दूरी है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल में? सर क्या बात कर रहे हो सर, 0 मंथ सर। ठीक है जी, बताओ बेटे 1 जुलाई से आप 1 अप्रैल को घटाओगे तो कितनी ड्यूरेशन, कितनी दूरी है? बिल्कुल सही कहा बेटे, बहुत अच्छा वर्ड यूज किया ध्रुव ने सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे ना इन डेट को पहले। बिल्कुल सही बाबू, बहुत अच्छा ध्रुव, वेरी गुड। कल भी बहुत अच्छा आंसर दिया था आपने, पता नहीं कोई, बहुत बढ़िया। तो 1 जुलाई से 1 अप्रैल को घटाएंगे तो क्या घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? बिल्कुल घट जाएगी सर, हमें बेस डेट को घटाना है। ध्यान रखना, अगली कसम, हमें बेस डेट से नहीं घटाना, हमें ड्यू डेट में से बेस डेट को घटाना है। बच्चा गलती करता है कई बार, पर समझ रहे हो क्या गलती करता होगा, वो बेस डेट को पकड़ के दे दनादन सारी ड्यू डेट घटाने बैठ जाता है और क्वेश्चन वो पलट जाता है बेटे। तो ध्यान से, हमें बेस डेट को घटाना है सारी ड्यू डेट में से। तो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल घटा तो 0, 1 जुलाई से 1 अप्रैल घटाओगे तो कितने मंथ की दूरी है? 3 मंथ की, अप्रैल मई जून। ठीक है, आइए जी, 7 में से 4 गए बच्चे, 3 आओ बेटे। यहां पर कितनी दूरी है जी? 7 मंथ की। मैं रुक गया जी, पहले तो मुझे ये बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या उन बच्चों को ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये अगर समझ में आ गई तो उनका चैप्टर मैं बड़े आराम से कवर करा दूंगा। मेरे को सबका हाँ बेटा, डेट में भी तो कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी नहीं है कि मंथ में करें। गुड़िया बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप बेटा, लेकिन क्या है ना कि जितना कैलकुलेशन आसान हो मैं कोशिश करनी चाहिए, मैथमेटिक्स से पंगा ना ले, उतना आसान करें। तो बेटे जब यहाँ पर सीधा सीधा आ सकता है मंथ में, तो मंथ में कर लेना चाहिए, है ना बेटा? आइए जरा बेटे, मुझे सबका जवाब चाहिए, हर बच्चे का येलो अंगूठा यहाँ पे थम्स अप होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि सब बच्चों का ओके है। प्लीज मुझे सब बच्चों का थम्स अप चाहिए अगर सब बच्चों को बात समझ में आ गई है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स तो है ही नहीं। अंटू को नहीं आई समझ में? अंटू पक्का ओके, समझ में आ गई? अच्छा, ये तो भाई दाढ़ी पे आते कह रहा आ गए, अच्छा ओके। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे ध्यान से, तो बेटे सिग्मा एफ एक्स निकालना है, मैं जरा मल्टीप्लाई करना फटाफट से। ये मत सोचना कि सर इतने आसान आसान क्वेश्चन को क्यों इधर करा रहे हैं। बेटे आसान करने के बाद में ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आती रहेंगी, है ना, एकदम से कॉम्प्लिकेटेड पे नहीं जाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 टू 0 क्या आएगा? 0। 2000 टू 3 आएगा क्या आएगा बेटा? 6000। अगला बताओ जी, 3 × 7 21000। क्या इनमें से कोई माइनस का आया? ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। अगर मैं 1 जुलाई को ले लेता, सुन लो सारे, अगर मैं 1 जुलाई को बेस डेट बना लेता तो पहले वाला बेटे मेरे माइनस का आता, फिर मैं 1 जुलाई को घटा रहा होता, क्या मेरा आंसर तब भी सेम आएगा? सर हाँ बेटा, तब भी सेम आएगा। हम करेंगे करेंगे सारी चीजें करेंगे, आज तो मैं मैथ पढ़ाने बैठा हूं तो आज तो मैं करूंगा ही। तो पहले तो मैं 1 अप्रैल को करा के कराऊंगा, फिर मैं बेटे 1 जुलाई को लेके कराऊंगा, ताकि आपका पूरा सेटिस्फेक्शन दे। आइए जरा, कितना टोटल आया बेटे? 27000, ये इसका टोटल है जी 27000। ये क्या है सर, इसको हम क्या बोलते हैं सर? बेटा इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, हाँ जी। और ये क्या हो गया बेटे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या हो गया बेटा? सर हाँ बेटा जी, सर आपने डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई? बेटा मल्टीप्लाई किया है बाबू, एफ इनटू एफ। तो सर इस फॉर्मूला आपने डिवाइड का साइन क्यों लगाया था? कहाँ लगवाया बेटा, एफ इनटू एक्स लिखा तो है, इज इक्वल टू। अच्छा इज इक्वल, सॉरी सर मुझे डिवाइड लगा हुआ, इज इक्वल। बार बार मेरी राइटिंग पे शक करके मेरा दिल दुखा रहे हो, आओ जरा
टोटल ऑफ अमाउंट पूछ लिया करो बेटे, कोई अगर कई बार होता है राइटिंग में लिख जाता है मैं मानता हूँ, तो मुझसे पूछ लिया करो कि सर ये वाला बता दो, मैं तो ऐसे शैतानी कर रहा हूँ। टोटल ऑफ अमाउंट और ये क्या है बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ गई, पहले बताओ यहां तक सब बच्चों का ओके है ना, तो निकाल दो बेटे फिर एवरेज ड्यू डेट। लो बेटा जी शुरू हो जाओ बेटे और निकाल दो बेटे एवरेज ड्यू डेट। आपके पास में फॉर्मूला है, लो बेटा जी एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट्स। बेस डेट कितनी है जी, बेस डेट है जी हमारी 1 अप्रैल 2021 और इसमें हमें जोड़ देना है जी, क्या जोड़ देना है जी, इसमें हमें जोड़ देना है जी प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है जी, 27,000 है जी, इसको हम डिवाइड करेंगे जी अमाउंट से तो क्या आएगा जी, आओ बेटा जी आगे बढ़े, निकालो जी निकालो 3.5। ओके 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 4.5 क्या है, मंथ है कि डेज है, मंथ, वेरी गुड बहुत बढ़िया। तो 1/4/2021 में जोड़ दो 4.5 months। लो बेटे जोड़ो जरा, 1 अप्रैल में पहले 4 महीने जोड़ दो, 15 अप्रैल, मई, देखो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, मंथ वाइज जंप करना है तो नेक्स्ट मंथ में सेम डेट ढूंढनी है सबसे पहली बात, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे कौन सी डेट आएगी बताओ बेटे, यानी कि 1 अगस्त प्लस 0.5 मंथ और रह गया जी जोड़ना, है कि नहीं बताओ, जुलाई और अगस्त, अगस्त बेटे अगस्त कितने दिन का होता है बताओ, 31 है जी बेटा जी, 31 डेज का, पक्का ना, सब बच्चों को पता है, नहीं तो आओ मैं एक बढ़िया चीज बताता हूँ जो मुझे सीए बनने के बाद पता चली, क्या बात करूँ सर, हाँ हाँ सुनो ध्यान से बेटे, कई बच्चों को क्या होता है मंथ में ही सॉरी मेरे को हंसी आ रही है इस बात को सुन सुन के, तुम भी कहोगे यार बच्चे वाली हरकतें करते हैं, हाँ बेटे सुनो, जिन बच्चों को दिक्कत है मेरी तरह से, मेरे को तो सीए बनने के बाद पता चला था, कैसे किस मंथ में 31 दिन होते हैं, किस मंथ में 30 दिन होते हैं, तो कई बार हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता था बेटे, कुछ नहीं करना, हाँ ये बात वेरी गुड आंटी बिल्कुल सही बता रहे, सर हमें भी आता है, हाँ ये मुक्का क्यों दिखा रहा सार्थक, ऐसा मतलब डर लग जाएगा, देखो ये बेटे जो ऊपर है ना ये 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 इसको बेटे 31 डेज मानेंगे, जितने भी ये ऊंचाई है ना, ऊंचाई जिस ये पीठ ऊंची उसका ऊंची ये है ना, ये बेटे 31 डेज है और नीचे है कितने 30 डेज, 30 ठीक है ना, जनवरी फरवरी, बेटे फरवरी तो 28 के, मार्च 31 की हो गई, फिर अप्रैल 30 की हो गई, फिर मई 31 की हो गई, फिर जून नीचे है ना, देखो यहाँ पर तो ये 30 का हो गया, फिर जुलाई कितने का बेटे 31, फिर से हम इधर से शुरू हो गए तो बेटे ये फिर से ऊपर आ गया, यानी कि ये भी हमारा क्या है अगस्त क्या हो गया, ये भी 31 है ना। नेक्स्ट अगस्त फिर क्या है, सेप्टेम्बर 30, अक्टूबर 31 का महीना, फिर 30 का महीना नवंबर, फिर दिसंबर 31 का, तो बेटे ऐसे हिसाब लगता है, कोई बात नहीं, कुछ बातें मुझे सीए बनने के बाद पता चली, मैंने कहा लो भाई ये भी चीजें होती है, वाह वाह, तो चलो कोई बात नहीं बेटे। अब मैं आपसे ये कहना बेटे, हम अगस्त के महीने में और अगस्त के महीने का आधा करना है, बताना जरा 31 का आधा कितना होगा जी, जल्दी बताओ, 15.5 है जी, 15.5 डेज। बोलो बेटे ये बात सब बच्चों को ओके है कि नहीं, पहले मुझे बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन पे डिस्प्यूट है, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात ओके है, हाँ ये आर्यन मजे ले रहा है, कह रहा है सर ऋतिक रोशन की तो हालत खराब हो जाएगी,
उसकी तो 6 उंगली है, वो तो थक जाएगा बेचारा गिनता गिनता नलायक, उसके लिए बड़ी चिंता है। इधर क्वेश्चन की चिंता नहीं है। आओ जरा कह रहे हैं ऋतिक रोशन की दिक्कत हो जाएगी उनकी, क्योंकि उनके हाथ में 6 उंगलियां है ना। जरा आओ जरा बेटे, 1 अगस्त में हम 15.5 दिन जोड़ेंगे, मुझे सारे बच्चे बताएंगे, मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर दूं 1 अगस्त + 16 दिन कर दूं क्या? जल्दी बोलो सारे बच्चे, 16 दिन कर दूं? जिनका जवाब है हाँ, जिनका जवाब है हाँ जल्दी से येलो वाला थम्स अप दो। जिनका जवाब है हाँ, और ये नलायक हैं, अब देख लो कितने नलायक हैं, नलायको प्यारे प्यारे नलायको नाराज नहीं हो। मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था, मैं इंतजार में था कि सारे कर दे एक बार जरा, फिर डांट लगाओ बेटे। मैंने कहा था 0.5 से ज्यादा हो तो राउंड करना, तुमने तो बाउंड्री लाइन पे ही कर दिया, ढिचके हैं, मतलब एलओसी क्रॉस तो करने दो, ऐसी गोली मार दोगे क्या? एलओसी पे खड़ा है बेचारा, कह रहा है कि मैं बात करने आऊं, ढिचके हैं, बात ही नहीं होगी फिर बेटे। 0.5 है, 0.5 से ज्यादा होगा तो राउंड ऑफ करना है, ओके? हाँ जी, पूछो अंटू जी। अंटू मैं एक बैठ पर बात पूरी कर दूं वरना बच्चों का लिंक टूट जाएगा। तो यहाँ पर बेटे राउंड नहीं करना, राउंड तब करना है जब 0.5 से ज्यादा हो। मतलब बेटे यहाँ पर कितना आया जी, बोलो जरा, 15 दिन पक्का? तो 15 दिन आया तो इसका मतलब क्या है बेटा, जल्दी से बताना जरा, काउंटिंग करना है। स्टार्टिंग वाला डे तो हमें छोड़ देना है, 1 अप्रैल छोड़ना था, ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना था कि नहीं छोड़ना था, ये बताओ जल्दी से, पक्का? तो बेटे जब आप 1 अगस्त में 15 दिन जोड़ोगे तो 1 अगस्त को तो छोड़ोगे, पक्का? तो यानी कि कहाँ पहुंचे आप लोग, 16 अगस्त पे पहुंचे। 16 अगस्त पे इस क्वेश्चन का जबरदस्ती आंसर 15 अगस्त बना रखा है, और फिर उसका आंसर फिर 14 अगस्त पहुंचा रखा है, कह रहे प्री डिसाइडेड हॉलीडे। आप सोच के देखो जरा, स्टार्टिंग डे छोड़ोगे, 1 अगस्त हमारा स्टार्टिंग, जब डेज काउंट करेंगे तो स्टार्टिंग डे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? पक्का छोड़ना है, 1 अगस्त को छोड़ना है। तो उसके बाद 15 यानी कि 16 तारीख हमारी यहां पर ड्यू डेट बैठी, मतलब एवरेज ड्यू डेट बैठेगी। अगली बात, क्या 16 अगस्त हमारा प्री डिसाइडेड हॉलीडे है? नहीं जी, इस क्वेश्चन का सजेस्टेड में आंसर गलत था, आईपीसीसी में गलत था। क्या था वहां पर, इन्होंने 15 अगस्त बिठा रखा, ठीक है, और 15 अगस्त की वजह से कहा गया फिर ये भाई क्या ये जो है प्री डिसाइडेड हॉलीडे है, तो उसको फिर 14 अगस्त पहुंचा दिया, समझे मेरी बात? आइए जरा, अब कुछ अंटू जी पूछ रहे हैं, पूछो बेटा अंटू, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर 15.5 डेज कैसा है, एक बार फिर से बोलिए। 31 डेज है, अभी इतना बड़ा हाथ दिखाया था, जुलाई अगस्त, अगस्त में बताओ कितने दिन होते हैं, जल्दी बोलो। 31 कैसी बातें कर रहे हो, जुलाई अगस्त, अगस्त में कितने दिन होते हैं अंटू? अगस्त में 31 डेज, 31 को 2 से डिवाइड करो, 15.5। हाँ तो 15.5 का मतलब क्या, मैं उसको 16 कर सकता हूँ, जल्दी बोलो, नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर सकता? हाँ फिर वही पकड़ेगा, हाँ नहीं अंटू नहीं कर सकते, 0.5 से जब ज्यादा होगा तब राउंडिंग करनी है, जब 0.5 होगा तब नहीं, बस डेज में ध्यान रखना, 0.5 से ज्यादा होगा तो राउंडिंग करनी है, ठीक है बेटा? आइए जरा एक अगला एग्जांपल का, अच्छा जल्दी से एक एग्जांपल, 16 अगस्त में 3 दिन और ऐड होंगे क्या? नहीं बेटा ये बिल नहीं है, जब बिल होगा सिर्फ तब बात करेंगे, बिना बिल के नहीं। सर हाँ जी बेटा, सर इसमें हमें दूसरा क्वेश्चन कराओ फिर कोई और एग्जांपल, आओ बेटा एक एग्जांपल और कर, और उस एग्जांपल को हम 2-3 दिन बेस डेट में लेके जाएंगे। कोई और एग्जांपल तुम्हारे लिए ढूंढता हूँ जी फटाफट से, मिल गया जी मिल गया, मार लिया एग्जांपल, मिल गया, देखो बेटा एग्जांपल नंबर 2, देखो बेटे एग्जांपल नंबर टू करके हम लोग क्लास ओवर करेंगे जी। द
देखिए द फॉलोइंग amounts are payable या payable नहीं, इसको वही वर्ड लिखता हूं, due to x by y, मिस्टर वाई के द्वारा एक्स को पेबल है, एंड वाई वांट्स टू पे टू वांट्स टू पे एट एवरेज ड्यू डेट. Calculate average due date. हमें उसके लिए क्या निकालनी है? Average due date निकालनी है बेटा जी. लो जी, हमें क्वेश्चन ने कुछ डाटा दे रखा है ड्यू डेट्स का और अमाउंट का. एक टेबल है जो हमें क्वेश्चन ने दे रखी है बच्चों. ये हमारा क्वेश्चन है जी. ड्यू डेट्स और अमाउंट. क्वेश्चन में हमें दे रखा है यहां पर 10 जनवरी 500 रुपए पेबल है. बेटा ध्यान रखना, y के द्वारा x को पेबल है. भाई वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे गलत बात होती है बहुत ही. 26 जनवरी को पेबल है 1000 रुपए. 23 मार्च को पेबल है 3000 रुपए. 18 मार्च उस डेट में संडे है, क्वेश्चन ने हमें ऐसा बताया है. तुम्हें पता नहीं फिर समझ में आना है, मैं पहले ढंग से लिखी हूँ उसको. संडे है जी, संडे है, 18 मार्च को संडे है. सबको दिख गया ना संडे है क्या है? 18 मार्च को संडे. आओ जी, फिर है जी, कितने के अमाउंट है जी? 4000 रुपए के अमाउंट है. पहले आप लोग निकालोगे जी, आप लोगों को निकालनी है जी एवरेज ड्यू डेट. मैं रुक गया जी, कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो निकाल के दिखाएगा जी? इसमें तो डेज से निकलेगा. देख लो जी, बिल्कुल मंथ तो निकल नहीं सकते यहाँ पे, एवरेज ड्यू डेट डे से ही निकलेंगे. बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वेरी गुड.
मैं वेट कर रहा हूँ बेटे। अमन पूछो, क्या पूछ रहे हो? बोलो बोलो। सर ईयर, अच्छा देखो मैंने क्या लिखवाया था, कुछ ना बोले तो क्या मानना है, लीप ईयर है कि नहीं है? ठीक है ना, जो बच्चा डाउट पूछ रहा है, नाम नहीं लूंगा, मैंने इसीलिए तो लिखवाया था वहां पे इंपोर्टेंट पॉइंट्स को। जब भी आपको कोई परेशानी हो तो इंपोर्टेंट पॉइंट को देखें और फटाफट से कैलकुलेट करना शुरू कर दें। बाकी बच्चे भी निकालें। हो गया बेटा, शुरू करें। चलिए जी आओ बेटा जी, फिर हम शुरू करें। जिनका 18 अगस्त है उनका भी गलत आंसर है। अच्छा ये 18 अगस्त है, ओहो आप हमें समझा रहे हो। ओके मैं चेंज कर दूं क्या क्वेश्चन में, एक चेंज कर देता हूं छोटा सा प्लीज। अब निकालना ये एक्चुअली क्या है ना, बताऊंगा अब, यह पहले नोट करो 18 अगस्त मानकर के आंसर निकालना सब बच्चों को। विशाखा शैतान पता चल गया। आज तो भाई सिस्टी भी यही है, सिस्टी आज नहीं बनाई चाय है। निकल गया बेटा सिस्टी बाबू, निकल गया। स्वयं हो गया क्या? ओजस्विनी राधा ऋतु ध्रुव हो गया। बस ये क्वेश्चन करेंगे फिर हम घर जाएंगे। बाकी तो निकल गया ये 18 अगस्त परेशान कर रहा है, इसकी पिटाई कर दो, ये परेशान कर रहा है। कह रहा 18 अगस्त तक बहुत दिन हो गए ना, आओ जरा। चलिए जी शुरू करते हैं। तो लो बेटे शुरू करते हैं आंसर। बेटा सबसे पहले तो हाउ टू प्रेजेंट देखिए फटाफट से, स्टेटमेंट,
शोइंग, और ध्यान रखना एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट. अब यहां पर क्या है बेटा, हमें चाहिए ड्यू डेट्स. तो ड्यू डेट्स में क्या चाहिए हमें, यहां पर सबसे पहले तो डेट्स बनाओ जी यहां पे, और फिर बनाओ बेटे अमाउंट्स का कॉलम, फिर ड्यूरेशन का, और फिर क्या चाहिए प्रोडक्ट्स का. ये चार कॉलम हमें चाहिए यहां पे. सबसे पहला कॉलम ड्यू डेट्स का. अच्छा ड्यू डेट्स कौन कौन सी है जी हमारे क्वेश्चन में? सबसे पहले है 10 जनवरी, फिर है जी कौन सा 26 जनवरी. तो 26 जनवरी को मैं 26 जनवरी लिख दूं क्या? ना जी ना, 26 जनवरी तो पब्लिक हॉलीडे है, वो भी प्री डिसाइडेड. इसका मतलब 25 जनवरी. ठीक है बेटा, क्या मानूंगा मैं इसको 25 जनवरी प्री डिसाइडेड होंगे. अच्छा क्या इसमें तीन दिन जोड़ करके पहुंचू? ना जी ना सर, मैं अगर मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन में हूँ और वहां पर तीन दिन जोड़ करके तब मैं देखूंगा 26 जनवरी है कि नहीं, या तीन दिन जोड़े बिना देखूंगा? आंसर है जोड़ने के बाद चेक करेंगे. ठीक है आइए जरा. तो 25 जनवरी नेक्स्ट. अगली डेट है बेटे कौन सी? 23 मार्च. बेटा एक एक लाइन जरूर छोड़े रखना. अगली बात बेटे फिर है अपनी अगली डेट कौन सी बेटे? 17 अगस्त. 17 अगस्त ठीक है जी, क्योंकि ये संडे है 18. नेक्स्ट अब क्या लिखो बेटे यहाँ पे? अमाउंट. अमाउंट लिखो बेटे. अमाउंट कितने की है? 500 रुपए की, फिर 1000 रुपए की, फिर 3000 रुपए की, फिर 4000 रुपए की, और ये क्या बन गई हमारे लिए? एफ. ये अंदर की बात है और हम क्या निकालेंगे अब? एक्स. ठीक है इसको लिखो यहाँ पे ड्यूरेशन. बेटे जो ड्यूरेशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पे किसमें निकालेंगे? डेज में. क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ फिक्स इंटरवल नहीं है यहाँ पर. ठीक है तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटे? यहाँ पे एक बेस डेट लेनी है. बेस डेट बेटे सबसे पहली वाली डेट कौन सी है इसमें? 10 जनवरी. तो हम लोग 10 जनवरी को बेस डेट बना के चलते हैं. इज इक्वल टू 10th ऑफ जैन. और यहाँ पे क्या क्या बेटा? प्रोडक्ट. एफएक्स. आगे चले बेटा नेक्स्ट. तो अब यहां पर बेस डेट से देखो बेटा 10 जनवरी से 10 जनवरी का डिफरेंस 0. ध्यान रखना डेज में है डिफरेंस. 25 जनवरी से 10 जनवरी तक का डिफरेंस बेटे ध्यान रखना एक दिन छोड़ना है. बताओ कितना आएगा? 15 दिन. 15 फिर 72. क्या सभी बच्चों का आ गया 72? बोलो बेटे किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ, मैं तुरंत यहां पर कैलकुलेट कर लूंगा. सर बता दो एक बार. मैं बता देता हूँ बेटा. वेरी गुड. आइए जी कैसे आया यहाँ पर 72? बताओ बेटे हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करनी है? 23 मार्च तक की दूरी 10 जनवरी से. 10 जनवरी इज आर स्टार्टिंग डे और एंडिंग डे कौन सा है बेटे? 23rd मार्च. आइए बेटे यानी काउंटिंग हमें कौन कौन से मंथ की करनी है? एक तो बेटे जनवरी वाले मंथ में, फिर फरवरी वाले मंथ में, और फिर मार्च वाले मंथ में. बिल्कुल पेन मत चलाना भले ही आपने कर लिया हो, क्या पता कोई आपको नई चीज समझ में आ जाए जो आपसे छूट हुई हो. बेटे स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना, ध्यान रखना आदत डाल लो हम स्टार्ट जहां से करें स्टार्टिंग वाला डे छोड़ेंगे. अगर मैं 23 मार्च से करूंगा तो बेटे उल्टी गिनती तो कौन गिनना चाहेगा, है ना? तो गिनती तो हम लोग सीधी गिनते हैं ना हमेशा.
बात वही है, आप उधर से काउंट करोगे या इधर से करोगे बात एक ही पड़ेगी, लेकिन स्टार्ट वाला डे छोड़ना है बस आपको। बताओ बेटे जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से मैं 10 को घटाऊंगा, 10 को घटाऊंगा मतलब मैं 10 को छोड़ूंगा। अगर मैं 10th नहीं घटाऊंगा, 9th को घटाऊंगा, यानी मैं 10 को काउंट कर रहा हूँ, तो 10th को मैंने घटा दिया, तो कितने दिन हमारे जनवरी में हो गए बेटे? यहाँ पे हो गए जी 21 दिन हो गए बेटे। फरवरी डिपेंड करता है लीप ईयर है क्या, क्वेश्चन ने कुछ नहीं बता रखा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, यानी कि फरवरी हमारी 28 दिन की है, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई भी हमें ईयर के बारे में सूचना नहीं दे रखी, तो मानेंगे सिंपल ईयर है जी, कोई लीप ईयर नहीं है, और ऐसे केस में फरवरी हमारी 28 दिन की होगी। नेक्स्ट मार्च की बात करो जी, मार्च में कितने दिन होते हैं जी? बेटे मार्च में 31 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 23 मार्च तक की दूरी तय करनी है, तो 23वां दिन हम काउंट करेंगे। ध्यान रखना हमने 10th जैन को छोड़ा है, स्टार्ट वाला डे छोड़ा है, लेकिन एंडिंग डे जो है हमारा 23rd मार्च, इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। आइए जरा टोटल करना, 3 और 8 11 और 1 12, 2 और 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 6 और 1 7, 72 दिन बेटे। इस तरह से हमारे 72 डेज आए, ये आगे हमारे 72 डेज। नेक्स्ट अब बेटे बात है 17 अगस्त की, तो बेटे 23 मार्च तक का तो आपने काउंट कर लिया, तो 23 मार्च के बाद में भी आप काउंटिंग यहीं से आगे बढ़ा दोगे तो भी बात बन जाएंगी, वरना आप स्टार्टिंग से कर लो जैसा आपको ठीक लगे। आइए मैं एक बार स्टार्टिंग से करता हूँ। अब जो हमें बात करनी है वो क्या हमें बात करनी है, हमें बात करनी है इससे आगे की, तो 10 जनवरी से हमें कहाँ तक काउंट करनी है, टिल 17th ऑफ अगस्त। जरा काउंट करना मार्च में कितने दिन और हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर भाई जनवरी में कितने हो गए 21, फरवरी में कितने हो गए बेटा 28, बेटे मार्च में कितने हो गए, मार्च में 23 नहीं 31, मार्च तो पूरा काउंट होगा ना, 17 अगस्त तक जाना है। अप्रैल में कितने हो गए 30, मई में कितने हो गए 31, जून में जिनको दिक्कत है वो अंगूठा और शुरू करते हैं। सर हाँ बेटा 17 अगस्त की जगह 18 अगस्त में, बेटा वो संडे है बाबू गुड़िया, वो संडे है बेटा, इसलिए एक दिन पहले प्री डिसाइडेड। जुलाई के बाद जुलाई में कितना होगा बेटा 31, बेटे अगस्त में कितना होगा बोलो 17, इनका टोटल करो जी, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 और 19 1 और 2 1 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19 और 2 21, 219 दिन यहाँ पर हुए हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो मैं मानूंगा सब बच्चों का ओके है। चैप्टर बड़ा प्यारा है जी, एक दो क्वेश्चन में शुरू में रहता ही है बेटे, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आइए जी आज तो अकाउंट की क्लास है ही नहीं, 219 न डेबिट हुआ न क्रेडिट हुआ न ट्रायल हुआ न बैलेंस शीट हुई, तो बेटे मल्टीप्लाई करो जल्दी एफएक्स, 0 15,000 2,16,000 9 चौक 36 19 चौक 76 2 चौक 8 8 लाख 76,000, 6 और 6 12 और 5 17, 1 और 7 8 और 1 9 और 5 14 1 और 8 9 और 2 11 और 1 12 12,47,000। एक बार चेक करना बेटे 12,47 आ रहा है क्या, अरे नहीं गलत हो गया सर, गलत है, गलत 11,07,000, रुको 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 कितना है 11,07,000, ओके 3 और 4 7 और 1 8 8,500। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं मानूं कि यहां तक सबका ओके है। चलिए जी अब हम बात करेंगे किसकी, एवरेज ड्यू डेट की। एवरेज ड्यू डेट बेटे टो इज इक्वल टू बेस डेट, बेटे बेस डेट हमारी बताओ जी क्या है जी, यहाँ पर बेस डेट 10 जनवरी, इसमें हम प्लस करेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितने का है जी 11,07,000 का, इसको डिवाइड करेंगे बेटे 8,500 से, ठीक है। बताना जरा कितना आया जी ये 10 जनवरी प्लस बेटे 30, पूरा बताना बेटे पॉइंट्स के साथ में, 8,500 से पूरा डिवाइड करो, पूरा बताना 11,07,000 डिवाइडेड बाय 8,500, ये आ गया 130 पॉइंट प्लस 130.25
ठीक है बेटे, इतने क्या डेज बेटे, मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा क्या, मुझे ये बताओ जल्दी से, क्या मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा? आंसर इज नो, 0.5 से ज्यादा होगा तो मैं 131 करता, यहाँ पर तो 130 ही काउंट होगा, यानी कि 10th जैन प्लस 130 डेज। नेक्स्ट बताओ बेटे, 10 जनवरी में 130 दिन जोड़ना है, बेटे जनवरी में कितने हो गए 21, जनवरी में कितने हो गए 21, जरा करना एक बार हिसाब लगाते हूँ, जनवरी में तो 21 हो गए, फरवरी में कितने हो गए 28, हमें 10th जैन में जोड़ना है कितने दिन को 130 दिन को, और वो कहां तक जाके बैठते हैं देखिए जरा, मार्च के कितने हो गए 31, अप्रैल के कितने हो गए 30, जरा काउंट करना एक बार, क्या 130 पूरे हो गए, काउंट करना 21 प्लस 28 20 और ऐड होगा इसमें, 31 प्लस 30 110 हो गए, मई और होगा कितना हो गया बेटा, मई 20 में, 20 मई, 20 मई कितने, हाँ बिल्कुल सही तो यहाँ पे कितना आएगा बेटे 20th में। अच्छा एक मिनट मैं जरा स्टडी मेट चेक करता हूँ, इन्होंने राउंडिंग चेंज किए शायद, एक मिनट रुको, अब इन्होंने राउंडिंग 0.5 की वेट ही नहीं करनी शुरू की, ठीक है जी, तो हम भी अब ऐसे करेंगे बेटे, बेटे राउंडिंग का आपको ध्यान रखना होगा, अब यहाँ पे राउंडिंग चेंज हो गई है, जैसे ही 0.5 से भी कम होगा तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 1 डे बढ़ा देंगे, आप लोग भी प्लीज इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर राउंडिंग के लिए पहले वहां पे जहां हमने नोट किया था ना वहां पे पहले रिवाइज कर लो, फॉर काउंटिंग ऑफ डेज जहां पर राउंडिंग की बात है 0.5 यहाँ पे लिखो, राउंडिंग ऑफ डेज में क्या लिखोगे, राउंडिंग ऑफ डेज में इवन इफ, अब ये कर लो, इवन इफ लेस देन 0.5 तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू 1 डे, यानी कि अगर ये 23.20 है तो इज इक्वल टू 24 डेज, ये लिख लो बेटे, अपडेट कर लो इसको प्लीज जल्दी करो, राउंडिंग डेज के लिए आप अपडेट कर लीजिए, ये रिवाइज हो चुका है, आइए जरा पिछली बार ही हो गया था शायद, जरा बताना जल्दी से मुझे यहाँ पे बताओ पहले सर, फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें, हाँ, 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 उसमें भी हाँ, तो चेंज होगा, करा रहा हूँ 16 डेज, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया अब हमारा 17th of August, इसको ठीक कर लो फिर, अब ये रिवाइज हो चुका है 17th of August, अब इसमें कर लो क्या, इधर क्या करोगे बताओ, यहाँ पे मतलब सर ऐसे मतलब कुछ भी होगा हम एक दिन बढ़ा देंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, अब चाहे 0.5 से कम भी हो अब हम तब भी बढ़ाएंगे, आइए जरा 21 में कितना आया जी, इधर 20 पॉइंट यहाँ पे, ये 131 डेज की बात हो रही है, बताना जरा 21st मई, 21st मई, ठीक है जी, चलिए आपके लिए होमवर्क है बेटे, ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, ये जो हमने यहाँ पे किया एग्जांपल, ये क्या था हमारा स्टडी मॉड्यूल का, लिख लीजिए ICAI का ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 था, अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्या होमवर्क दे रहे हैं देखो बेटे, होमवर्क लिख लो बेटे फटाफट से, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, यहीं तक बस, चेकिंग हमने कर लिया, पेज नंबर बता देना, वाह वाह, किताब का नाम बता दूं, बिजनेस लॉ के 4th वाले पेज पे सर, चलिए
ठीक है बेटे, शुरू वाले दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन है तुम बेटे इनको जरूर करना साथ साथ में, ठीक है जी। चलिए तो जो क्लास देख रहे होंगे बैकअप में उनके हिसाब से क्लास अभी ओवर है,